ऑलराइट है गाइस, आप सबका वेलकम है ट्यूटोरियल में। और ये मोस्ट वांटेड ट्यूटोरियल था सबका। और अगर आपको स्टॉक चाहिए तो नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़। आप मुझे बार बार डीएम ना करें, आप हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन को पूरा पढ़े करें। मैं कोई फालतू की चीज़ें अभी नहीं लिखता उसमें, पहले मैंने टैग्स डाल रखे हैं सो वो पहले की बातें हैं। अभी लेटेस्ट वीडियोस में मैंने कोई ज़्यादा लिख नहीं रखा है इतना, उसमें आपको टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। और आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से सारी चीज़ें डाउनलोड करें। आप मुझे बार बार डीएम करके कोई, मैं जल्दी नहीं डाल दूँगा चीज़ें, आप मुझे खामखा में परेशान करेंगे, ठीक है। और मैं मेंशन नहीं करना चाहता बंदों के नाम कि यार आप मुझे पॉइंट आउट करते हो कि PST डाल दो। यार मेरा जब काम हो जाएगा मैं अपने आप PST डाल दूंगा और PNG डाल दूंगा। मेरी भी है, मेरे को भी काम होता ही है थोड़ी है यार कि मैंने फ़ोटो डाल दिया एट दी एंड, मैं सब कुछ ही डाल दूंगा। मुझे भी हर चीज़ बनानी पड़ती है, समझाने के लिए कन्वर्ट करनी पड़ती है, तभी बनती है यार। सो ऐसे DM ना करें आप, ठीक है। मैं सारे DM पढ़ता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा हो DM। ज़रूरी लगता है तो ज़रूर रिप्लाई करता हूँ ब्रो, ठीक है। ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, ट्यूटोरियल से रिलेटेड बात करते हैं, ये तो खामखा की बातें हैं। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि हाउ दिस हैज़ हैपेंड। और कोई मेरी इंग्लिश इंग्लिश ख़राब हो तो यार माफ़ी करना, मैं मॉस्को से सिडनी पढ़ के आया, ठीक है। होप आप सबने देखी होगी भाई वो वीडियो, ठीक है। तो ये मैंने स्टॉक क्रिएट कर रखा है, सबसे पहले अपना वॉलपेपर है, कोई वैसे नहीं है मैंने उठाया उठाया, कहीं से मिलते नहीं है ऐसे वॉलपेपर, आपको बनाने पड़ते हैं। ये मैंने किसी का स्टॉक ले रखा है नीचे से, और यहाँ थोड़ा मिड में अलग वॉलपेपर है, ऊपर अलग है, तो लाइक समथिंग काइंड है। तो इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, एक मिनट। तो न्यू फोल्डर एंड कंसेप्ट 3.0 है और ये बिजी है, ठीक है। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इजी, और ये स्टॉक पड़ा रहेगा हमेशा। टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर चेक करें, जब वहाँ पे आपकी PNGs अपलोड हो जाएंगी तो मैं ज़रूर ट्यूटोरियल भी पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद यहाँ थोड़ा मेरे को डार्कनेस चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ पे नहीं चाहिए था मुझे, तो यहाँ जस्ट मैंने इसी लेयर से ओवरले कर रखा है। नॉर्मल में आप देख सकते हैं कैसा होता है और ओवरले में कितना फ़र्क पड़ जाता है। तो ये ब्लैक एंड वाइट ओवरले मोड से आप ज़रूर प्ले करें, और ये बहुत हेल्पफुल होता है कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने में। उसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन से थोड़ा मैंने डाउन करा था क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ब्लू हो रहा था। उसके बाद जस्ट मैंने ये नीचे का यूज़ करा था, एक पार्ट है वॉलपेपर का, तो यहाँ मैंने नीचे का यूज़ करा था ये हाइड करने के लिए कि एक लेवल जगह लगे बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने थोड़े और बादल ऐड करे थे, ठीक है। ये ऊपर से एडिशनल है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो यार आपकी इच्छा है, ठीक है। मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, तब भी लाइक पूरा ही एक्सपोर्ट कर देता हूँ, अभी इकट्ठे ही पूरा भेज दूंगा ये। और ये बर्ड्स हैं, अगर आपको सही लगते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, लेकिन ये आएगा फाइनल आपका वॉलपेपर जो बनेगा। तो इसे ग्रुप कर देता हूँ एक बार मैं, कमांड जे कंट्रोल ई, ठीक है। अब एक्सपोर्ट कर देता हूँ BG। सो ये डायरेक्ट वॉलपेपर है आपके लिए, अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो फिर उसके बाद मैंने अपने आप को इंसर्ट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने अपने चेहरे को थोड़ा बहुत वो दे रखा है ब्लेमिश रिमूवल, और कुछ नहीं कर रखा ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से मैंने मेन काम चालू होता है, और कटिंग एंड सिलेक्शन इस फोटो में बहुत अच्छी करी थी मैंने। तो ये कैसे करी थी, तो ये तो यार एक सीक्रेट है बहुत अच्छे वाला, और मैं बता देता हूँ आपको कैसे ये सीक्रेट अचीव करा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पीछे मैंने वाइट चीज़ पे ये क्लिक कर रखी है फ़ोटो,
तो वाइट का जो रिमूवल होता है वो बहुत अच्छा होता है इन कंपैरिजन कि आप ब्लैक और कहीं पे भी करें, ठीक है। तो ये कैसे रिमूवल आता है, जब आप सिलेक्शन ले रहे होते हैं तो ये स्मार्ट रेडियस का ऑप्शन होगा, आप इसे भी क्लिक करें, ठीक है। और जब यहाँ से आप ऐसे जैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने इतना एरिया कर लिया, अब ये जितना डीप जाऊंगा वो उतना डीप सिलेक्शन लेता जाएगा, तो मुझे ये ब्रश साइज़ को भी छोटा करना होता है और बहुत धीरे धीरे पेंट करना होता है यहाँ पे, ठीक है। जितना आप प्रिसाइजली पेंट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। और उसके बाद यहाँ आता है एक और कि जो आपको सिलेक्शन चाहिए वो आप इससे रख सकते हैं, कि जैसे मुझे ये भी चाहिए तो आप इससे इतना रख सकते हैं, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे अगर मैं छोटा ब्रश लेता हूँ तो कितना प्रिसाइज सिलेक्शन होता है यहाँ पे, पॉइंट टू पॉइंट हर जगह जाके मैं खुद कर सकता हूँ। अगर मेरा ब्रश साइज़ बहुत बड़ा है तो आप देखिए वो कितना अलग सिलेक्शन ले रहा है और कैसे कर रहा है। तो यही एक ट्रिक थी इसमें जो मैंने यूज़ करी थी और मैं आपको बताना चाहता था, ठीक है। जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद यहाँ से आपको कॉन्ट्रास्ट भी इंक्रीज़ करना होता है, और ये हमेशा 15 to 20 जाता है इन मैक्सिमम केस में, जहाँ हमेशा बढ़िया सेट रहता है। तो ये आपको समझ में आया होगा, और ऐसे ही सिलेक्शन परफेक्ट लिया जाता है। कोई और हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप मास्क धीरे धीरे करें। उसके बाद आता है कि ये हेयर्स कैसे बिल्कुल डिटेल्ड में वापस आए, तो डिटेल्ड में मैंने कुछ वापस नहीं लिया था, जो मेरा यहाँ पे मास्क था ना उसी पे ही मैंने यहाँ ब्रश से एक बिल्कुल छोटा सा ब्रश कर लिया, और मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, और यहाँ से वाइट कलर, और ये आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे खुद वहीं से ही हेयर्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि मैं कोई एडिशनल हेयर नहीं ला रहा अपनी फ़ोटो में, मेरे पास जो हेयर्स हैं मैं जस्ट उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ और जस्ट अच्छे से रिफाइन एज दे रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं करा यहाँ पे। तो ये आपको हार्ड एंड फास्ट मेथड समझ में आया होगा कि आप सिलेक्शन कैसे लेते हैं। माना ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा आपसे, लेकिन इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन से मैंने पहले मैं कर्व से डाउन करता था, लेकिन अब मैं HSL यूज़ करने लगा हूँ थोड़े से टाइम से। तो HSL से भी आप सेम ही कर सकते हैं। कर्व में क्या होता था कि मेरे को दो लेयर बनानी पड़ जाती थी, कर्व भी डाउन करना पड़ता था और लाइटनेस भी करनी पड़ती थी, लेकिन HSL में दोनों इकट्ठे हो जाता है और ह्यू भी चेंज हो जाता है। तो यार ये थोड़ा मुझे बेनिफिशियल लगा, इसलिए मैं अब ये यूज़ करने लगा हूँ। तो आप भी कर सकते हैं, ह्यू एंड लाइटनेस से आप देख सकते हैं कितना डार्क कितना ब्राइट करना है, वो आता है इससे, ठीक है। और सैचुरेशन तो आपको पता ही है, और ह्यू से आप अपने कलर को मैच कर सकते हैं। सो तीन फीचर बिल्कुल हैंडी है इसमें, इसलिए मैं ये ह्यू एंड सैचुरेशन यूज़ करता हूँ। तो ये थोड़ा डिटेल सा है ट्यूटोरियल, आप इसमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। मैं इसको ज़्यादा बोरियत भी नहीं बनाना चाहता कि मैं आपको कर करके दिखाऊं, तो यार आप छोड़ देते हैं बीच में ट्यूटोरियल्स, मैंने देखा मैं खुद छोड़ देता हूँ अगर कोई करके ऐसे बताता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा कर्व। कर्व यहाँ पे मैंने इसलिए यूज़ करा था कि मुझे ये साइड ब्राइट दिखानी थी, अब ये साइड ही मुझे क्यों ब्राइट दिखानी थी, क्योंकि मेरी जो लाइट आ रही है वो यहीं से आ रही है और लेफ्ट टू राइट आ रही है, तो इसलिए मैंने ऑरिएंटेशन ऐसे रखा था। लेकिन वॉलपेपर को मैंने फ्लिप कर रखा है, पहले वॉलपेपर इधर की साइड था, मैंने पीछे का इधर कर रखा है। सो इससे एक ड्रामेटिक लाइट का भी वो ज़्यादा, तो आपको लाइट का भी बहुत ध्यान रखना होता है फोटोशॉप जब आप कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट मैंने एजिस पे थोड़ी पेंट कर रखी है, और यहाँ पे थोड़ा सा और पेंट कर रखा है। अब ये पेंट अचीव करने के लिए यार बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, आप क्यों पता नहीं खामा खा में डरते रहते हैं ये सब कि नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जब आप हार्डनेस बिल्कुल कम रखेंगे ना ब्रश की, और फिर जब आप क्लिप कर देंगे लेयर को जहाँ पे भी आपको पेंट करना है, और उसके बाद यहाँ पे ये ब्लैक ले रखा है, और ये वाइट जब आप ऐसे लेके ब्रश आउट करेंगे ना तो ये बहुत ईजिली पेंट हो जाता है, देखिए कितने आराम से पेंट हो रहा है। और जितना प्रिसाइज आप करेंगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। और जैसे आपसे एक्सेसिव हो जाता है तो इरेजर लीजिए और थोड़ा उसकी क्या कहते हैं फेदरनेस ज़्यादा रखिए और जस्ट रिमूव कर दीजिए। तो यार ये चीज़ मैं मानता हूँ आपको आनी चाहिए अभी तक, और हो सो कि आप कर लेंगे, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने जस्ट एक्सप्लेन करा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने कितने कम फेदर पे यहाँ पेंट कर रखा है धीरे धीरे, और फिर ऊपर से मैंने एक वाइट का भी हल्का हल्का पेंट कर रखा है।
सोचस के मर्जिंग और उसकी टेक्निक होती है। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल है ही नहीं यार कि मैं कोई जादूगर हूँ और इस टाइम में मैं करके दिखा देता हूँ कुछ, तो कुछ ऐसा भी नहीं है यार। और फिर उसके बाद मैंने एक और लेयर क्लिप कर रखी है क्योंकि मेरे को अपना ही चेहरा थोड़ा सा डार्क लग रहा था इस टाइम में, तो यहाँ मैंने जस्ट कर्व ऐड कर दिए। बाद में मैं इसे सही कर लूँगा। उसके बाद मैंने डॉजन बर्न थोड़ा सा अप्लाई करा है। डॉजन बर्न क्यों अप्लाई कर रखा है, यहाँ थोड़ी फेस के नीचे शेडो आ रखी थी तो उसे रिमूव करने के लिए मैंने करा था जस्ट, क्योंकि शेडो यहाँ पे कुछ मतलब नहीं बनता था उसका, इसलिए मैंने डॉजन बर्न यूज़ कर रखा है। तो डॉजन बर्न सिंपल होता है, एक बॉक्स ऊपर डॉज होता है आपका, एक बॉक्स नीचे बर्न होता है, ठीक है। और उन दोनों के लेयर मास्क को इन्वर्ट कर दो, और जहाँ आप चाहिए ब्राइटनेस तो आप वहाँ पेंट कर सकते हैं वाइट से, जैसे आप देख रहे हैं। तो जस्ट ब्लैक को वाइट, वाइट को ब्लैक करना होता है, इसलिए डॉजन बर्न यूज़ होता है, ठीक है। अब उसकी तरफ बढ़ते हैं कलर लुकअप्स। तो यहाँ एक ही कलर लुकअप यूज़ होता है, वो होता है नाइट फ्रॉम डे, और ये फोटोशॉप में बिल्ट इन है, और ये ब्रश भी सारे बिल्ट इन है, मेरे कोई ब्रश नहीं है, मैंने कोई प्रीसेट नहीं बनाया है ये सब का ब्रश का, तो आप इस बात को ज़रूर समझिए और मेरे से ब्रश मांगना छोड़ दीजिए, ये आपके फ़ोटोशॉप में अवेलेबल है सारे ब्रश, ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ थोड़ा सा इधर पे भी कर रखा है, हाथों पे भी कर रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो मैं हर हाथ हर जगह का एक डिफरेंट लेयर रखता हूँ, सो इससे मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंस मिलता है कि हाँ मुझे इस साइड का ज़्यादा एक्सट्रीम करना है, इस साइड का कम करना है। सो यहाँ तक तो ये फ़ोटो रेडी हो गई थी, और मैंने यहाँ थोड़ा सा एक और कर्व डाला है जिससे मेरे को यहाँ की पॉइंटिंग आउट लाइट मिले, बिल्कुल ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से मैंने डाउन कर रखा है। तो ये पॉइंट पे मैं बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका था कि हाँ यार अब क्या करूँ फ़ोटो में, मतलब फ़ोटो अच्छी तो लग रही थी लेकिन वो बात नहीं आ रही थी इस फ़ोटो में। मैंने कलर ग्रेड भी करी, मैंने सोचा यार अब भी अच्छी नहीं लग रही है इतनी, तो मेरे को जस्ट आइडिया आया कि मैं मास्क यूज़ कर सकता हूँ कोरोना वायरस लाइक मैंने देखा। तो यहाँ सबसे पहले मैंने मास्क इंसर्ट करा है, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये मास्क मैं आपको PNG में ही दूंगा पूरा, ठीक है। तो ये मास्क लगाया मैंने, उसके बाद यहाँ से वो इरेज कर रखे हैं मैंने कॉर्नर्स ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शेडो क्रिएट कर रखी है, ये शेडो भी मैं आपको PNG में ही दूंगा, तो जब जहाँ पे भी आप ये मास्क अप्लाई करेंगे शेडो भी उसी के साथ साथ अप्लाई हो जाएगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और फिर ये नीचे की शेडो है, यहाँ मैंने मास्क के नीचे की कर रखी है। और अगर आपको ये बनानी हो तो सिंपल यार 10% ओपेसिटी वाला फंडा है ब्रश के साथ वाला, तो अगर आपको नहीं पता हो ब्रश लेना ब्लैक कलर, और यहाँ से ओपेसिटी 10% कर लेना, और जब आप पेंट करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सडल और धीरे धीरे हो रहा है पेंट। अगर मैं यही चीज़ एक ही बार में करूँ तो देख सकते हैं आप कितना ब्लैक आ गया है। तो ये नीचे मुझे ओपेसिटी 10 का आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ धीरे धीरे मैंने पेंट कर रखा है, और मैंने लाइट का पूरा ध्यान रखा कि इधर से हिट कर दिया और मेरी शेडो इधर जाएगी, तो वो रियलिज्म में अचीव हो गया एकदम से ही, ठीक है। अब मेन बात थी कि मेरे को थोड़ा और रियलिस्टिक दिखाना था इसे, तो यहाँ पे मैंने यूज़ कर रखा है। हाँ ये मास्क में मैंने लाइट इंसर्ट करी थी उसके बाद, कि लाइट के बाद ही ये बहुत अच्छा दिखता है, और लाइट क्रिएट करना यार बहुत ही इजी था। यहाँ से आप आएंगे इलेप्टिकल और ड्रॉ करिए जो भी आपको शिफ्ट करके, और फिर स्ट्रोक कर दीजिए जो भी आपको कलर चाहिए होगा, ओके करेंगे और डीसेलेक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये तो बताने वाली चीज़ ही नहीं है यार। सबसे पहले मैं ये सिंगल ग्लो बनाया, फिर उसके बाद 10% का मैंने गॉजियन ब्लर डाला 10 रेडियस का, उसके बाद 30 रेडियस का, तो ग्लो कुछ ऐसा आएगा। और कोई यहाँ ब्लेंडिंग मोड में स्क्रीन स्क्रीन यूज़ नहीं करा है मैंने, ठीक है। उसके बाद मेरे को लगा कि ग्रीन तो आ गया, अब साइड वेंटिलेटर से मेरे को रेड कलर चाहिए क्योंकि एक कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाता है रेड एंड उसका। तो यहाँ मैंने आइज़ में भी ऐड कर रखी है रिंग्स, तो ये सेम रिंग है ऐसे ही नीचे जैसे क्रिएट कर रखी है, जस्ट यहाँ पे मैंने ब्रश से फैदर कर दिया इन्हें, ठीक है, क्योंकि
कि वो थोड़ी रियलिस्टिक लगे हल्की सी, और उसके बाद थोड़ा यहाँ फेस पे। अब मेन बात आती है, अगर यहाँ चीज़ें ग्लो हो रही हैं तो यार इनका क्या कहते हैं वो भी जाएगा, लाइट भी जाएगी यहाँ पे हर चीज़ पे, कपड़े वपड़े और इधर उधर। तो लाइट को बनाने का यहाँ बहुत सिंपल सा तरीका है, ब्रश कलर, ठीक है। अब जो भी आपको कलर की लाइट चाहिए हो, ठीक है, मैं जस्ट अज्यूम कर लेता हूँ कोई भी, जैसे मुझे चाहिए येलो कलर की लाइट, तो यहाँ ब्रश में आऊँगा मैं और येलो कलर पेंट कर दूँगा यहाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ येलो ऐसे धीरे धीरे पेंट करूँ तो येलो कलर की वहाँ पे लाइट आ गई, ठीक है। अगर यहाँ करूँगा तो येलो 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 येलो। तो ये एक बहुत सिंपल और टेक्निक सा मेथड है, और उसके बाद इसे ब्लेंड करने के लिए आप अंडरलाइन लेयर को स्प्लिट कर सकते हैं ऑल्ट दबा के, और वो लाइट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगी वहाँ पे। तो ये एक सिंपल सी टेक्निक है और हमेशा यूज़ होती है, मैंने यहाँ कर रखी है लाइट, ठीक है। और उसके बाद थोड़े से मैंने यहाँ स्ट्रोक्स क्रिएट कर रखे हैं वाइट कलर से, कि वो थोड़ा अच्छा लगे वहाँ पे। और यहाँ कुछ नहीं है, और उसके बाद मैंने यहाँ टैटू ऐड कर रखे हैं, और ये तो जस्ट कॉपी है उसी की। सो ये टैटू की भी मैं PNG दे दूँगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे ये कंप्लीट हो गई थी मेरी फ़ोटो, लेकिन मुझे एक और बार कलर ग्रेड करनी थी, और इस बार मैंने थोड़ा स्मोक भी ऐड कर दिया यहाँ पे, जिससे थोड़ा सा ये पार्ट ना ब्राइटन अप हो जाए, जिससे लोगों का ध्यान इधर आए थोड़ा सा आए, क्योंकि मेरी ऐसे चल रही थी डायगनली, यहाँ से यहाँ तक तो पूरी फ़ोटो कवर होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ ऐसे ग्लो रखा है, पाथ ग्लो। और उसके बाद ये तो सिंपल है, ऐसे ब्लैंक लेयर है। उसके बाद कलर ग्रेड है सिंपल सी जस्ट, और ये कैलेंस वाला ही जो मेरा वो प्रीसेट है वही है, और पहले वो जिप्स में है बहुत सारे, कैलेंस वाला प्रीसेट, प्रीसेट की जिप आप डाउनलोड करेंगे उसमें भी आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए मेरे